पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से हम कैसे, मतलब जी एडिट की हेल्प से हम कैसे ओपन कर सकते हैं फाइल को। अगर हमारी कोई फाइल नहीं बनी तो उसे हम क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं जी एडिट की हेल्प से। मतलब जो ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर होता है लिनक्स में, उसमें हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो है एक दूसरा टेक्स्ट एडिटर, जिसे हम कहते हैं नैनो टेक्स्ट एडिटर। जो हमारा लिनक्स, ये जो आप टर्मिनल देख रहे हैं, इसी में ही आपका टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा और यहीं पे आप एडिट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर में करते थे वही आप यहाँ पर नैनो टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं। और हो जाने के बाद सेव, कट, पेस्ट, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखते हैं उसका शॉर्टकट कीबोर्ड क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो में। तो जो मैंने आपको बताया वो है नैनो टेस्ट एडिटर। नैनो टेस्ट एडिटर को ओपन करने के लिए नैनो डालना पड़ेगा, ठीक है। नैनो टेस्ट एडिटर मतलब लाइनस टेस्ट एडिटर कह सकते हैं। अगर मुझे कोई फाइल खोलनी है, जैसे जी एडिट की हेल्प से खोलते थे तो जी एडिट फिर फाइल का नेम देते थे, ऐसे ही हम नैनो में देंगे नैनो फिर फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? शॉर्टकट। जैसे मैं ओपन करना है मुझे शॉर्टकट्स, ठीक है, नैनो दिया फिर उसके बाद फाइल का नाम दिया। तो मैं देखता हूँ कि इससे ये फाइल ओपन होती है नहीं। ये आप देख सकते हैं मेरे नैनो टेस्ट एडिटर में ही, मतलब टर्मिनल के अंदर ही मेरी फाइल ओपन हो गई। मैं इसे थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए। तो आप देख सकते हैं ये फाइल के अंदर मैंने यही लिख रखा था पिछली वीडियो में, कंट्रोल ए का क्या होता है, कंट्रोल एल क्या करता है, कंट्रोल डी, कंट्रोल के, ये सब मैंने शॉर्टकट्स लिख रखे थे थोड़े बहुत। तो आप देख सकते हैं ये मेरा एडिटेबल फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें बन के आ रही है, जैसे है ना जी हो गया, जी के आगे ये क्या लगा हुआ है, इसे हम पावर सिंबल भी कह सकते हैं। पर ये जो पावर होता है वो यहाँ पे अगर बात करें टर्मिनल पे तो ये कंट्रोल की तरह काम कर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कंट्रोल प्रेस करना है और फिर इसके बाद एक्स प्रेस करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देख लें, इस वाले कमांड पे अगर ये वाली चीज़ चल गई, मतलब कंट्रोल और एक्स, तो मतलब बाकी चीज़ों में भी कंट्रोल वाली चीज़ चल जाएगी, ठीक है। तो पहले इसी को भी ट्राई करके देख लेते हैं। कंट्रोल मैंने प्रेस किया और एक्स प्रेस किया, तो ये मेरा जो नैनो टेस्ट एडिटर है वो वाला हमारा क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस करते ही मेरा नैनो टेस्ट एडिटर क्लोज हो गया। आप देख सकते हैं ये क्लोज होके दोबारा वहीं पे आ गया जहाँ पे था। तो मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ नैनो शॉर्टकट्स, ओपन किया, ठीक है। मतलब हमें कंफर्म हो गया कि ये जो पावर वाला सिंबल है ये हमारा कंट्रोल का है, कंट्रोल और एक्स। अब क्या करते हैं, गेट हेल्प देख लेते हैं। गेट हेल्प के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और जी, तो कंट्रोल प्लस जी मैंने प्रेस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल जी की हेल्प से ये नैनो टेस्ट एडिटर, जो एडिटर मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है कि क्या होता है, क्या चीज़ होती है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। द नैनो एडिटर इज़ डिजाइन टू इमुलेट द फंक्शनैलिटी है ईजी ऑफ यूज़ ऑफ द UMP को टेस्ट एडिटर। ये चीज़ें आप आके पढ़ सकते हैं कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या शॉर्टकट होता है। यहाँ पे भी लिखा है, देखिए देख सकते हैं कि पावर वाला जो सिंबल है वो कंट्रोल की के लिए है, फिर एम वाला जो सिंबल है वो मेटा की है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं आके। मैं आपको सारी की के बारे में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, बाकी आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यही चीज़ पर दिखा लेता हूँ, जैसे प्रीवियस लाइन हो गया और ये नेक्स्ट लाइन हो गया, तो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और एन। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करें और एन किया, देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन जा रहा है, और कंट्रोल पी करें तो प्रीवियस लाइन, कंट्रोल एन नेक्स्ट लाइन, कंट्रोल पी प्रीवियस लाइन, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज। प्रीवियस पेज जाने के लिए मुझे क्या करना है, पेज बाय पेज, ये लाइन बाय लाइन जा रहा था, अब ये पेज बाय पेज जाना है। जैसे प्रीवियस पे जाना है तो कंट्रोल वाई कर सकते हैं, कंट्रोल वाई किया तो ये प्रीवियस पेज आ गया। नेक्स्ट पेज जाना, पूरा इस पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर दिखाना है, तो हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल वी, नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़िएगा और इनको यूज़ करिएगा, ठीक है। कंट्रोल वाई हो गया, फिर उसके बाद कंट्रोल वी दोबारा दबाया तो नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, ऐसे करके फिर प्रीवियस पेज जाना तो कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बाकी चीज़ें आप एक्सप्रेस करके देख लीजिएगा। रिफ्रेश का हो गया, वेयर इज़, वेयर वाज, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, तो ये आप करिएगा। जैसे अब मैं क्लोज कर देता हूँ इस गेट हेल्प को, क्लोज करने के लिए क्या है, कंट्रोल और एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, ठीक है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टेस्ट एडिटर पे। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कमांड आपको बताई थी कंट्रोल के, यहाँ पे लिखा भी है कट फ्रॉम द कर्सर, तो यहाँ पे भी कंट्रोल के है और पेस्ट वाले के लिए कंट्रोल यू है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन पे आते हैं, ये कर्सर यहाँ पर है हमारा, और कंट्रोल के को प्रेस करते हैं। कंट्रोल के में वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ग्राफिकल टेस्ट एडिटर से हो सकता है वो सारे काम आपके यहाँ पे हो सकते हैं आपके नैनो टेस्ट एडिटर से। आपको कोई भी शॉर्टकट की याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ आपको नीचे दिख जाएगी, ठीक है। मैंने कंट्रोल के प्रेस किया तो यह देख सकते हैं मेरी पहली लाइन कट हो गई, और फिर इसके बाद पेस्ट करना है तो कंट्रोल यू, ठीक है, वही चीज़, कंट्रोल के, कंट्रोल यू, कंट्रोल के, कंट्रोल यू, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने कंट्रोल यू नहीं किया, कंट्रोल यू, ठीक है।
या आप देख सकते हैं कंट्रोल के और कंट्रोल यू के बारे में मैंने बता दिया। कर्सर की पोजीशन देखनी है कि आपकी ये कर्सर की पोजीशन कहाँ पर है, तो कंट्रोल सी तक प्रेस कर सकते हैं, तो ये आपको कर्सर की पोजीशन बता दी, लाइन 51 कॉलम, ये चीज़ें आप आके देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कुछ इसमें डाटा ऐड करके देखते हैं। अब हमने देख लिया सारे शॉर्टकट कीबोर्ड के बारे में कि एडिट कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, हेल्प चाहिए तो हेल्प देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे हम जी एडिट में करते थे कुछ टेस्ट लिखते थे उसके बाद सेव करते थे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी कीबोर्ड का हम शॉर्टकट लिख देते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल सी का कर्सर पोजीशन है, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, हमारा कर्सर की पोजीशन बताता है। ठीक है, ये चीज़ करता है। अब क्या करना है, हमें दो चीज़ देखनी है कि आपको ये सेव करना है या फिर डायरेक्ट एग्जिट करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे जो राइट आउट लिखा है वो मीनिंग सेम एज अ सेव की तरह ही काम करता है, जो राइट आउट है वही हमारा सेव है। तो राइट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल और ओ, एक बार हम सेव करके देखते हैं, एक बार डायरेक्ट एग्जिट करके देखेंगे क्या होता है। अभी हम सेव करके देख लेते हैं, तो मैंने कंट्रोल और ओ दबाया प्रेस, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है फाइल नेम टू राइट। आप कौन से फाइल नेम, ये भी मैं आपको दो तरह से करके बताऊंगा कि कैसे हम एक ही फाइल में कर सकते हैं दूसरी फाइल में भी। फाइल नेम टू राइट, इसी फाइल पे आप ओवरराइट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो एंटर प्रेस करना है आपको, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, ये अब हमारा राइट हो चुका है, तो अब देख लेते हैं ये राइट हुआ भी है या नहीं। तो पहले मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है, अब दोबारा उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल सी वाला जो मैंने लिखा था वो हमारा आ चुका है, मतलब राइट हो चुका है। यहाँ से भी ओपन करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने बता दी। अब मैं विदाउट राइट का बात करते हैं, मैंने कोई भी शॉर्टकट ऐसे डाल दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स दबाता हूँ, एग्जिट करता हूँ डायरेक्ट, विदाउट सेव के मैंने एग्जिट करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल एक्स दबाया। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है सेव मॉडिफाइड बफर, जो आपने यहाँ पे किया है वो आप सेव करना चाहते हैं, अगर वाई प्रेस किया तो सेव हो जाएगा, एन किया तो नहीं होगा, तो एन दबा के देखते हैं, वाई मतलब तो यस हो ही जाएगा, और कंट्रोल सी किया तो कैंसिल होकर दोबारा टेस्ट एडिटर पर आ जाएगा वापस। तो एन प्रेस करता हूँ मैं, एन प्रेस किया तो मतलब हमारा नहीं होना चाहिए, तो दोबारा ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं वो जो मैंने लिखा था ब्ला ब्ला वो नहीं हो पाया। अब ये दोबारा लिखते हैं ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब दूसरी चीज़ करके देखते हैं, मैंने आपको बताया था दो तरीके से करके बताऊंगा राइट आउट के बारे में। अब ये वाली चीज़ हो चुकी है, अब क्या करना है आपको, राइट आउट करते हैं, मतलब राइट आउट मतलब सेव करना है हमें, सेव किया। अब क्या करते हैं, शॉर्टकट वाला जो था हमारे पास ऑलरेडी फाइल, इस पर ना करके किसी और फाइल पर करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट वाली फाइल में हमारा यहाँ तक का वो है डाटा, और ये वाली चीज़ हमने अलग से ऐड करी है अभी। तो हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट इस पे ना करके शॉर्टकट 1 2 3 डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंटर प्रेस किया, सेव फाइल अंडर डिफरेंट नेम, जो आपने अभी फाइल का नाम दिया वो दूसरे नेम से ही है, तो वो यस करना चाहते हैं, करना चाहते हैं या नहीं, यस करेंगे भाई। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टकट 1 2 3 भी है और शॉर्टकट 1 2 भी है, तो इसे 1 2 3 को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारी चेंजेस आ गई ए बी सी वाले, अब शॉर्टकट वाला ओपन करें तो उसमें देख सकते हैं वो वाली चेंजेस नहीं आए, मतलब नई फाइल के साथ भी क्रिएट हो गया। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप इसमें और भी आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एग्जिट करता हूँ, एक नई चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे हम जी एडिट में नई फाइल बना सकते थे, वैसे हम नैनो टेस्ट एडिटर की हेल्प से भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नैनो डाला, फिर इसके बाद कौन सा फाइल का नाम हमारा नहीं है, कमांड्स है, शॉर्टकट है, ट्यूटोरियल है, बाकी कुछ चीज़ नहीं है, तो मैं डाल देता हूँ ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब इस फाइल का देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने एंटर किया, ये मेरी फाइल ओपन होकर आ गई, इसमें कुछ एंटर करना चाहते हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, जैसे टेस्ट एडिटर रहता था वैसे ही सेम टेस्ट एडिटर है। यहाँ पे लिखा भी आ गया न्यू फाइल, इसे सेव करना चाहते हैं कंट्रोल ओ किया, फिर इसके बाद इसी फाइल के नेम से करना चाहते हैं ब्ला ब्ला के नेम से, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं मेरा ब्ला ब्ला वाली फाइल आ गई, उसके अंदर ए बी सी वाला कंटेंट होगा। ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, तो आपको मैंने टेस्ट एडिटर के बारे में बता दिया, दो टेस्ट एडिटर बता दिए, एक तो जी एडिट के बारे में, एक नैनो टेस्ट एडिटर के बारे में। आगे हम कुछ और देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।